वेलकम बैक टू द चैनल बॉस। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई मूवीज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि तुम अपने बेस्ट से भी बेस्ट मूवी को फाइंड कर सको। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इरफान नाम का एक आदमी अच्छे खासा इसकी जिंदगी कट रही होती है, अपने दोस्तों के साथ खूब मजे कर रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से इसे आतंकवादी बोलकर गिरफ्तार कर लिया जाता है और बहुत सारे चार्जेस इसके ऊपर थोप दिया जाता है कि इसने आतंकवादी बनके ये काम किया है। अब ये बंदा अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करेगा, यही सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी भाई टोटली सस्पेंस से सस्पेंस भरा हुआ है, तुम्हारा सस्पेंस खुलेगा और फिर एक और सस्पेंस आएगा जिसके बारे में तुम सोचते रहोगे कि अब क्या होने वाला है, और उसके बाद फिर वो सस्पेंस खुलेगा। लिटरली बहुत ही बवाल किस्म की मूवी है। तो ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी का नाम है FIR। एक न्यूली ज्वाइंट पुलिस ऑफिसर को असाइनमेंट बोलकर एक ऐसा केस पकड़ा दिया जाता है जिसका ना ही सर है ना ही पांव। ये बंदा फिर भी उस केस को सॉल्व करने के लिए निकल जाता है। आज तक इस केस को किसी ने भी सॉल्व नहीं किया था, बट ये जब इस केस को सॉल्व करना स्टार्ट करता है तब ये एक ऐसे बस तक पहुंचता है जो वो एक अजीब ही तरह का बस है। और उस बस में ऐसा क्या चीज़ होने वाला है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर मैंने बस के बारे में बता दिया और कुछ ना तो भाई साहब मजा खराब हो जाएगा। तो एक बार ये मूवी जाके देखो। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 के आसपास और इस मूवी का नाम है डायरी। रिची नाम की एक जर्नलिस्ट जो कि बहुत ही ईमानदार है, वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस को हत्या के मामले को जांच करती है, बट इस हत्या के मामले में बहुत ही बड़े बड़े लोग शामिल है जो चाहते नहीं है कि इसके बारे में कोई और जाने और ये मामला बाहर में आए। तो वो लोग रिची के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने या फिर उसके साथ जो भी करना चाहते हैं वो करने के लिए। तो क्या रिची अपने आप को बचा पाएगी या फिर नहीं बचा पाएगी, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी को IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। लिटरली बहुत बवाल किस्म की है और आपको इसको देखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, तो वहां से जाके आप इजीली वॉच कर सकते हो। तो इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगा डोर डिलीवरी बॉय का, जो कि अच्छे खासा लाइफ जीरो होता है, बट इनके मन में लालच आ जाता है और ज़्यादा पैसा कमाने में, इसलिए ये लोग कुछ बुरे रास्ते पे चलने लग जाते हैं जिसके वजह से एक बूढ़ी औरत का इसके हाथों से मर्डर हो जाता है और जिसके वजह से इसके पीछे बहुत सारे पुलिस लोग पड़ जाते हैं इसे पकड़ने के लिए। तो क्या ये दोनों डिलीवरी बॉय अपने आप को बचा पाएंगे या फिर नहीं बचा पाएंगे, और आप क्या ही इसमें देखने को मिलेगा। सस्पेंस भी है काफ़ी तगड़ी जो आपको एंड में ही पता चलेगा। मूवी का शुरुआत थोड़ा सा ढीला जरूर है, बट भाई साहब जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे ये मूवी आपको एंड तक बांध के रखने में दम रखती है। तो ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और इस मूवी का नाम है मथु वडलरा। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की से मिलाया जाता है जिसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी शादी कर दिया जाता है इसके माता पिता के द्वारा। तब भी ये खुश रहती है कि चलो शादी हो गया है, इसका पति पुलिस इंस्पेक्टर है, खूब मजे करेगी, अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जिएगी। बट जब ये ससुराल जाती है वहाँ पर इसको पता चलता है कि इसका पति कोई अच्छा इंसान नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर तो है बट ये बहुत ही गंदार बहुत ही बदमाश है, इसके साथ मारपीट करता है, इसको गाली गलौज देता है, मतलब इसको बहुत अच्छे तरीके से तो बिल्कुल नहीं रखता है। ये सब इसके साथ बहुत दिनों तक चलता है, बट ये एक दिन सोचती है कि क्यों ना मेरा बदला लिया जाए, जो जो मेरे साथ हुआ है वो इसके साथ भी किया जाए। तो वो अब इस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ क्या करेगी वही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी भाई साहब एकदम पॉप लेवल की है। अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते थे ना जिसमें आपको इस तरह के कुछ देखने को मिले तो इस मूवी को आप डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा और इस मूवी का नाम है अमू। और इन्हीं सब के साथ मैंने इस टॉपिक पर बात किया, तो एक बार यहाँ भी चेकआउट कर लेना, आपको यहाँ भी कमाल कमाल की मूवीज़ मिलेगा।